CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कहानी नमक। खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है। जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है। अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं। अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है। बाजी, आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है। नमक, लाहौरी नमक। लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे। देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है, नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या। नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये है? और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है। हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी। लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहां आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मियत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं। अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या, मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी। ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है। फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे। ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है। देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूं। पुड़िया को कहाँ रखूं,
ऐसा करती हूँ, कीनू की टोकरी में नीचे दबा देती हूँ। कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो। नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप? मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप? नमक का मोल पूछने। आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है। लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए जी, फरमाइए। अब आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक। नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। पर हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। जी शुक्रिया। चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई। आप इधर आइए, इधर आइए। मैं जनाब, आप लीजिए जनाब, अपना सामान चेक कराइए। लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं। हाँ ठीक है, ठीक है जी, खुदा। आप भी इधर आइए, आइए सामान। साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। आप इधर आइए। हाँ इधर आइए जी। हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो? हाँ? माफ कीजिए, चाय पियेंगी क्या आप? नहीं। मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ जी। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें जी। हाँ? हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था। तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है, किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में। सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है।
मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते। ठीक कहते हो साहब। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह से संकलित हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक। विषय संयोजक प्रोफेसर संध्या सिंह, डॉक्टर नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। आभार अजीत होरो। ध्वनियांकन बटी लैंगडिंगडो। कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज, सुनील लोहिया और कीमती आनंद। ध्वनि संपादन, निर्माण तथा निर्देशन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।